गैस चैम्बर में बदल चुकी दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए आज से ऑड इवन लागू हो चुका है। पहले दिन इवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, जो लोग नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं उन्हें भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की मार के बीच 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो गया है। प्रदूषण को कुछ हद तक कम करने के प्रयास से दिल्ली सरकार ने तकरीबन एक महीने पहले से ही ऑड इवन लागू करने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद ये कब से कब तक लागू होगा और इसमें किस किस को छूट दी जाएगी इसके लिए बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। लेकिन आज सुबह जैसे ही 8 बजे और नियम लागू हुआ तो सड़कों पर दौड़ रही ऑड नंबर की गाड़ियां जुर्माने की चपेट में आ गई। वहीं लोगों से जब इस बारे में पूछा गया तो देखिए कैसे लोग बहाना बनाते नजर आए। अच्छा फील नहीं हो रहा है, गलत बात है। आपको नॉलेज किस बारे में? नॉलेज होती तो होता ही नहीं सर। तो पता नहीं था आपको? नहीं सर। लगातार सर मैं नोएडा रहता हूँ, मुझे इस बात का नहीं पता था कि आज से स्टार्ट होने वाला है। मैं रात में आया था किस काम से, मैं लौट रहा था, हमने देखा पोस्टर, हम लोग जल्दी जल्दी निकल भी रहते हैं, बट क्या कर सकते हैं। तो आगे से ये गलती नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। और मैं फरीदाबाद जा रहा हूँ, मुझे आज नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है ये। मैं बल्कि आगे पीछे दो रेड लाइट पे देखता हुआ आ रहा हूँ और वो सब मैं देख अभी ये हम बात करते आ रहे थे कि ये क्या है, ऑड इवन चालू हो गया। 4000 का चालान कटेगा आपका? सर मुझे नहीं मालूम 4 का कटेगा या 5 का कटेगा, लेकिन हाँ हम अभी बात कर रहे थे और ये भी बात हम कर रहे थे कि सीएनजी पे लागू नहीं होता, ये अभी बता रहे सीएनजी पे भी है तो होगा भाई। ऑड इवन का पता है, सरकारी गाड़ियों में कोई लेटर नहीं है। लेकिन सरकारी गाड़ियों में भी कुछ गाड़ियों को ही छूट है, ज्यादा गाड़ियों को छूट नहीं है, तो इस गाड़ी को छूट नहीं है? नहीं, ये आईजी साहब की गाड़ी है इसलिए ये साहब को लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर आप बताएंगे कि इसका भी चालान कट रहा है या फिर इसको परमिट नहीं है, एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो आगे आगे देखेंगे। मैडम भी बैठी हुई है पीछे, आप देख सकते हैं ये सरकारी गाड़ी का चालान कटना चाहिए, सरकारी गाड़ी का रोकने कोई पुलिस वाले नहीं आए अभी तक। हाँ ठीक है 10 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े हुए, कोई पुलिस वाला इस गाड़ी को रोकने नहीं आ रहा है। ये सरकारी गाड़ी है तो मतलब ऑड इवन इसके लिए लागू नहीं है, ऑड इवन सबके लिए लागू है, मेरे लिए लागू है। मैं चालान कटाऊंगा मगर इसका भी चालान कटेगा जब जाएगा ये, जब इसका चालान कटेगा, वरना मैं इस गाड़ी के आगे से नहीं हटूंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से ऑड इवन का पालन करने की अपील की, तो दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऑड इवन फॉर्मूले पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदूषण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि ये राजनीति के केंद्र में होना चाहिए। विजय गोयल जी को मैं कहूंगा कि जो उनके मन में आए वो करें, वो चाहें तो अभी दिल्ली में सिर्फ ऑड इवन क्यों, वो जनरेटर बैन भी तोड़ें, वो कंस्ट्रक्शन बैन लगाया हुआ है वो अपने घर में कंस्ट्रक्शन भी करवाएं, वो जनरेटर के साथ साथ भी चलें, पूरी दिल्ली में जनरेटर लेके चलें, उनके राजनीति उसमें है, क्योंकि सरकार कोई करे दिल्ली के हित के लिए करे तो उनका विरोध करेंगे। वो जाके पर्यावरण मंत्री से क्यों नहीं कहते हैं विजय गोयल जी या बीजेपी के और नेता कि मंत्री जी आपने बैठकें क्यों कैंसिल की, पराली जलने से ठीक 2 महीने पहले से दिल्ली के मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट कर रहे थे सर बैठक बुलाइए कुछ करिए, बैठकें कैंसिल करते रहे, एक के बाद एक बैठकें कैंसिल करती गई, यानी कि पॉल्यूशन बीजेपी की प्रायोरिटी में है ही नहीं, मजाक बीजेपी की प्रायोरिटी में वो कर रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ऑड इवन को सियासी स्टंट नहीं बल्कि दिल्ली की जरूरत बताया। पॉल्यूशन का मेन कारण बार बार जो रिपोर्ट है, आज भी टेरी की रिपोर्ट है, सफर जो अर्थ साइंसेज सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है, उन्होंने कहा कि मेजर जो पोल्यूशन का कारण है आज के दिन वो जो पराली का धुआं है वो है। दिल्ली का जो पोल्यूशन है, दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मेहनत के साथ और तमाम इनकन्वीनियंस उठाने के बाद 25-30% दिल्ली का पोल्यूशन कम किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कदम उठाया ऑड इवन से, इससे कुछ राहत जो है जरूर मिलेगी। नहीं, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ राहत हमें जरूर मिलेगी। तो जहां एक तरफ दिल्ली सरकार प्रदूषण से लोगों को बचाने के लिए ऑड इवन का फॉर्मूला लेकर आई है, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कुछ अलग ही सलाह देते नजर आए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ट्विटर अकाउंट पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा कि प्रदूषण से बचने के लिए गाजर खाएं। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के कवायद के तौर पर ऑड इवन को लागू तो कर दिया गया, लेकिन दिल्ली में सोमवार को भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है।
दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 708 रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर बात दिल्ली एनसीआर की करें तो वजीरपुर में 919, आनंद विहार में 924, नोएडा सेक्टर 62 में 771, वसुंधरा में 696 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। अब देखना ये होगा कि राहत आखिर में लोगों को कब मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।